आम का पन्ना गर्मियों में रिफ्रेशिंग के तौर पर जरूर पीना चाहिए। यह दाह शामक होता है, कूलिंग प्रॉपर्टीज वाला होता है, खासकर के लू लगने पर घर के बड़े बुजुर्ग इसे पीने की सलाह देते हैं। और सही बात है, ये लू में काफी इफेक्टिव भी होता है। लेकिन क्या आपके मन में डाउट नहीं आता कि कच्चा आम तो काफी गर्म होता है, तो ये आम का पन्ना ठंडा कैसे हो गया? चलो हम आपको समझाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कुछ फूड्स या औषधि ऐसी भी है जो किसी खास कंडीशन में या गर्म करने पर या किसी चीज या वस्तु के साथ रखने पर उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दही आयुर्वेद में गर्म तासीर का माना गया है, लेकिन शक्कर मिलाने पर इसका इफेक्ट कूलिंग वाला हो जाता है, जैसे कि लस्सी। ठीक उसी तरह कच्चा आम, जो नो डाउट गर्म मिजाज का होता है, अगर उसे गर्म किया जाए या पकाया जाए तो कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से आम के पन्ने की तासीर ठंडी हो जाती है। तो इस गर्मी के मौसम में आम के पन्ने को खूब पिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।